बता दूं आपके पास, फिर हम जो है वो नेक्स्ट न्यू टेंस जो है वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जो है वो स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। अब मैं आपको थोड़ा ये जो पेज पढ़ा है, जो नोट्स लास्ट नाइट मैंने आपको भेजे थे, ठीक है ना बेटा, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव वाला जो पेज है ये सामने रखें आप, इसको सामने रखें, और थोड़ी मैंने नोट मेकिंग भी की है वो मैं बताऊं आपको, और ये मतलब क्लियर हो जाए, बहुत मतलब अच्छे नमूने से आपका क्लियर हो जाए, ये आपके सामने होगा, आप प्लीज इसको सामने लाएं, ठीक है। और फिर हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस स्टार्ट करते हैं। देखो यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंदर ऊपर जो स्ट्रक्चर दी हुई है इसमें कोई मसला नहीं है, ठीक है। और फिर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में स्पेलिंग वाला जो मामला है, स्पेलिंग्स जो होती है, स्पेलिंग ऑफ वर्ब्स, देखो स्पेलिंग ऑफ वर्ब्स जो इंपॉर्टेंट है उसमें, मतलब मोस्टली तो हम क्या करते हैं स्पेलिंग में, ये कहता है यानी मोस्ट वर्ब्स कैरी क्या करते हैं, आई एन जी इन कैरी करते हैं। बेटा ये पेज को भी पढ़ ले, हम पढ़ते हैं जैसे प्रेजेंट सिंपल टेंस में पढ़ा, उसको भी मैं समझा दूं कहीं, क्योंकि आपके क्वेश्चंस आते हैं इधर ये हुआ वो हुआ, तो इसीलिए मैं ये भी आपको क्लियर करवा दूं। मोस्ट वर्ब्स देखो उनके साथ हम ऐड क्या करते हैं, आई एन जी इन ऐड करते हैं, जैसे ईटिंग हुआ, वॉकिंग हुआ या रीडिंग हुआ, ठीक है ये होता है। अच्छा उसके बाद वर्ब्स एंडिंग इन ई, मतलब देखो दूसरे कुछ ऐसे वर्ब्स होते हैं, देखो वर्ब्स वर्ब्स एंडिंग इन, कल भी शायद मैंने बताया था आपको, एंडिंग इन ई मतलब ऐसे वर्ब्स है जिनके आखिर में ई इस्तेमाल होता है, तो ड्रॉप कर दें बेटा, क्या होता है ड्रॉप ई, ई जो है वो हम क्या कहते हैं ड्रॉप कर देते हैं, वर्ब्स एंडिंग इन ई ड्रॉप ई। और फिर हम जो इस्तेमाल करते हैं जैसे इधर टेक वर्ब पढ़ा है, देखो सॉरी टेक वर्ब पढ़ा है, तो आप देखें हमने ई जो है ड्रॉप कर दी और टेकिंग कर दिया, तो ये आसान लिखा हुआ है। इसी तरीके से अगर आई ई आता है, ठीक है ना, वर्ब्स एंडिंग जो है वो किसमें आते हैं, आई ई में वर्ब्स एंडिंग आते हैं, तो हमें क्या करना है इसमें भी बेटा, देखो ड्रॉप क्या करना है, आई ई ड्रॉप करना है, और फिर आई ई को कन्वर्ट किसमें करना है, टू वाई में चेंज करना है, ठीक है टू वाई में जो है वो हमें चेंज करना है। फॉर एग्जाम्पल इन्होंने इधर दिया है टाई, तो आप देखें इसकी स्पेल जो लिखेंगे टी वाई आई एन जी, इस तरीके से करेक्ट होगा, ये लिखा हुआ है मैं इसीलिए जल्दी आपको बता रहा हूँ। अच्छा वर्ब्स देखो एंडिंग इन सी वी सी, यानी सी से मुराद कॉन्सनेंट है, वी से मुराद वावेल है, और फिर कॉन्सनेंट है, ठीक है, डबल द लास्ट लेटर जो आखिरी होगा, अगर ऐसी स्पेल आ जाए तो आखिरी जो होता है यानी वर्ब्स एंडिंग किसमें होते हैं बेटा, देखो वर्ब्स जो है वो एंड करते हैं किसमें, सॉरी वर्ब्स जो एंड होता है वो होता है आपका, यानी वर्ब्स जो एंड करते हैं वो सी वी सी पे करते हैं, डबल द लास्ट लेटर, क्या डबल द लास्ट लेटर बेटा, डबल द लास्ट लेटर, डबल द लास्ट लेटर, तो हम लास्ट लेटर जो होता है वो आखिरी लेटर हम डबल करेंगे, ठीक है। अच्छा तो देखो इधर जो है वो क्लेप वर्ड पढ़ा है, क्लेप वर्ब कौन सा पढ़ा है क्लेप, अब आप देखो एल जो है वो क्या है सी है, कॉन्सनेंट है, ए क्या है वॉवेल है, और पी क्या है यानी ये भी कॉन्सनेंट है, तो आप जब इसको चेंज करेंगे तो देखो सी एल ए डबल पी आई एन जी, यानी लास्ट लेटर देखो ये लास्ट डबल हो गया, सेम हो जाएगा, डबल मतलब सेम हो जाएगा। फिर बेटा आए यूजेस पे आ जाए, देखो सबसे पहले नाउ का यूज है आपके सामने होगा ये पेज, प्लीज देखें, यानी सबसे पहले प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस नाउ के लिए इस्तेमाल होता है, यूजेस में क्या है यूजेस में यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हम नाउ के लिए इस्तेमाल करते हैं, नाउ का मतलब एट द मोमेंट ऑफ स्पीकिंग, हमने आपको बताया पढ़ाया कि अगर कोई चीज एट द मोमेंट ऑफ स्पीकिंग चल रही हो तो हम इस्तेमाल करते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। अच्छा फॉर एग्जाम्पल आई एम टीचिंग या वी आर लर्निंग, देखो ये नाउ का हो गया, ठीक है नाउ का क्या हुआ वी आर लर्निंग, ठीक है बेटा 2 मिनट में पढ़ के फिर मैं आता हूँ प्रेजेंट परफेक्ट की तरफ। अच्छा उसके बाद सेकेंड होता है अराउंड नाउ, ये मैंने बताया नहीं होगा अभी, इसके अंदर मैंने दिया है थोड़ा एडवांस कुछ इसके अंदर ये यूज है अराउंड नाउ, अराउंड नाउ से मतलब ये अराउंड नाउ से मतलब बेटा जो आजकल मतलब जरूरी नहीं है एट द मोमेंट ऑफ स्पीकिंग वो कंटिन्यू अपने एक्शन में अभी भी कर रहा हूं, अभी भी उसके अंदर काम कर रहा हूं, जरूरी नहीं लेकिन वो नहीं कहते ना अराउंड नाउ, मतलब आजकल हम कहते हैं किसी को पूछते हैं कि भाई आजकल आप क्या कर रहे हो, तो बोलेगा कि मैं ये काम कर रहा हूँ, ये प्रोजेक्ट में काम कर रहा हूँ, मैं एंट्री टेस्ट की तैयारी कर रहा हूँ, तो ये अराउंड नाउ मतलब अराउंड द टाइम, ये जो प्रेजेंट वाला टाइम है ना उसके अंदर हम जो है वो इस्तेमाल करेंगे। फॉर एग्जाम्पल आप देखो ही इज, देखो बेटा ही इज वर्किंग ऑन द प्रोजेक्ट, ठीक है ही इज वर्किंग ऑन द प्रोजेक्ट,
इज वर्किंग ऑन द प्रोजेक्ट। अब इसका मतलब ये नहीं है, जहन में रखे बेटा, मैं बता रहा हूं, इसका मतलब नहीं है कि अभी, मतलब अभी यानी 6 बजे में भी वो प्रोजेक्ट पे काम कर रहा होगा और कंटिन्यू होगा इसका एक्शन। मतलब ये कि राउंड अबाउट, मतलब राउंड अबाउट जो मतलब ये प्रेजेंट का टाइम है, इसमें इसका काम जो होता है, इसका जो एक्शन है वो यही रहता है, इसका काम यही रहता है। ही इज वर्किंग ऑन द प्रोजेक्ट, इसका काम जो है वो ये रहता है, इसीलिए हम यानी इस्तेमाल करते हैं क्या, यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। अराउंड नाउ का मतलब ये होता है, अराउंड नाउ, देखो नाउ एग्जैक्ट एट द मोमेंट ऑफ स्पीकिंग, अराउंड नाउ मतलब हो सकता है थोड़ी देर के बाद, शाम को, मतलब उसकी जो एक्टिविटी रहती है, उसकी जो रेगुलर एक्टिविटी कंटिन्यू जो रहती है वो इस तरीके से रहती है, जैसे मैंने आपको उर्दू में बता दिया कि भाई आजकल मैं ये काम कर रहा हूँ, तो ये अराउंड नाव की बात है। इसका मतलब नहीं है कि जब वो पूछा गया सवाल तो उसी वक्त भी वो काम कर रहा था, तो मतलब ये नहीं है। जैसे भाई मैं बोल सकता हूँ वी आर टीचिंग एंट्री टेस्ट क्लासेस, वी आर टीचिंग एंट्री टेस्ट क्लासेस, इसका मतलब ये अराउंड नाव है, आजकल जो हम पढ़ा रहे हैं आजकल के, ये मतलब जो वी ऑल टीचर्स आर टीचिंग, देखो इसको और ज्यादा स्पेसिफिक में कर रहा हूँ, वी ऑल टीचर्स ऑफ SPSC आर टीचिंग एंट्री टेस्ट या प्रिपरेशन क्लासेस, तो इसका मतलब मैं तो अभी